आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। सूबे के पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने महागठबंधन छोड़ने को लेकर अपना स्टैंड बदल लिया है। तेजस्वी को लेकर उनकी नाराजगी भी अब खत्म हो गई है। जीतनराम मांझी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मैंने महागठबंधन को कभी नहीं छोड़ा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के संबंध में कहा कि कुछ मामलों के बाद मैंने कहा था कि उनमें अनुभव की कमी है। मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं तेजस्वी का विरोधी हूँ। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। आपको मालूम हो कि बीते दिनों मांझी ने पीसी करके महागठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी। वहीं उन्होंने कहा था कि इस बार का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी हर सीट पर अकेले लड़ेगी। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी ने कहा था कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ने चुनाव के दौरान हम पार्टी को ठगा है, इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि गरीबों के सुझाव पर हमने फैसला लिया है और आगे चल के फैसला नहीं बदलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी की मान्यता का भी सवाल है। ऐसा प्रावधान है कि देश भर में कुल वोटों का 1% और राज्य में कुल वोटों का 6% किसी पार्टी को मिलता है तो वह पार्टी मान्य है। इसलिए पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कल रात पप्पू यादव तीसरे मोर्चे की कवायद लेकर एक बार फिर से जीतनराम मांझी के पास पहुँचे थे, मगर जीतनराम मांझी ने उनसे मुलाकात जरूर की मगर तीसरे मोर्चे की इस खाली सीट पर बैठने से इनकार कर दिया है। सीधे तौर पे कहा जाए तो पप्पू यादव अब जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, जिसमें जीतनराम मांझी की कहीं ना कहीं एक सीट खाली थी, उन्हें खाद बनने की बात कही जा रही थी, मगर उन्होंने इस ऑफर को सीधे से ठुकरा दिया है। इसका एक और बड़ा कारण यह हो सकता है कि आज महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित की गई है। इसमें जीतनराम मांझी समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया गया है। अब इस न्योते के बाद हो सकता है जीतनराम मांझी को लगता हो कि उन्हें उनकी हिस्सेदारी भी मिल जाएगी महागठबंधन। जो भी हो, दोनों तरफ से सियासी दावपेच शुरू हो चुके हैं। तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में आने वाला है। आने वाले 2-3 दिनों में तीसरे मोर्चे की तरफ से भी एक बड़ी घोषणा हो सकती है। वहीं महागठबंधन की बात किया तो महागठबंधन जो कि हार के बाद अभी तक एकजुट होकर नहीं बैठा था, वो आज एकजुट होकर बैठेगा और आने वाले समय में एक बड़ी घोषणा के लिए तैयारी कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।